एक थाने में पदस्थ थाना प्रभारी के खिलाफ महिला आरक्षक ने दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक भाट पचलाना के थाना प्रभारी जीएस मंडोत पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता ने इसकी शिकायत एसपी सचिन अतुलकर से की है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच के बाद मंडोत दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। दरअसल देवास जिले में पदस्थ महिला आरक्षक ने उज्जैन जिले के भाट पचलाना के थाना प्रभारी मंडोत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है। इसमें आरोप लगाया है कि मंडोत ने कई मर्तबा उनके साथ दुष्कर्म किया है। कुछ दिन पूर्व ही महिला आरक्षक भी की शादी हो गई, इसके बावजूद मंडोत द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। मामले में एसपी ने जांच के बाद कार्यवाही करने की बात कही है। उज्जैन जिले में थाना भाट पचलाना के जो वर्तमान थाना प्रभारी हैं सब इंस्पेक्टर, उनके खिलाफ महिला आरक्षक ने एक आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन को दिया है, जिसमें उसने जो है दुष्कर्म की बात कई वर्षों से लगातार किए जाने की उल्लेख किया है। इस बात की जाँच जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एडिशनल एसपी रूरल को दी गई है। जांच में जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, और जो जानकारी के मुताबिक, पेपरों के मुताबिक और सबके कि उनके बहुत पुराने संबंध थे कई वर्षों से, और उसके बाद जो है अभी अचानक ये सब चीज़ें क्यों आई हैं, इन सब चीज़ों की जांच के लिए की जा रही है, और जांच में जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।